जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। तो आज का जो मेरा वीडियो है CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन न्यू रिक्रूटमेंट जो आप लोग की आने वाली है, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रीवियस में ही प्रोवाइड कराई थी कि दिसंबर 8 में जो है आप लोग के यहाँ पे मीन्स रिक्रूटमेंट आएगी। पूरे पूरे चांस हैं यहाँ पे, जैसे मेरे को जानकारी है। जी हाँ, मेरे पास पूरी जानकारी। तो दिसंबर 8 आप लोग का निकल गया, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी तक आप लोगों की नहीं आई है। स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं, सर क्या हुआ, रिक्रूटमेंट नहीं आई, रिक्रूटमेंट नहीं आएगी क्या, क्या रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई, क्या प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया ताकि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन लग सके, किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिक्रूटमेंट को लेकर के आप लोग किसी प्रकार की टेंशन में मत रहिए कि सर रिक्रूटमेंट नहीं आएगी क्या। जी नहीं, रिक्रूटमेंट आप लोगों की आएगी। जब मैंने आप लोगों से बोला है, रिक्रूटमेंट की पूरी वैकेंसी की डिटेल मैंने आप लोग को दे दी थी। जी हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन जो A to Z जानकारी मेरे पास है वो मैंने आप लोग को बताई। 577 टोटल वैकेंसी थी और मैंने आप लोगों को डेट भी यहां पे बताई थी। अब प्रॉब्लम्स यहां पे है कि सर रिक्रूटमेंट समय से क्यों नहीं आई, क्या हो रहा है। तो देखिए, आपकी जो है 8 दिसंबर में यहां पे रिक्रूटमेंट आनी थी, रिक्रूटमेंट नहीं आई। मैंने जो है इसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को कोई जानकारी मिल जाए, जानकारी मिलने में समय लगता है। लेकिन मैं आप लोग को ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग कंफर्म हो जाए कि घबराए नहीं, ठीक है, कि रिक्रूटमेंट यदि 8 दिसंबर को नहीं आई है तो रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया है, पूरी तरीके से रेडी है CISF में। तो रिक्रूटमेंट आप लोगों की निकलनी है। जी हाँ, जब मैंने आप लोगों से बोल दिया रिक्रूटमेंट है, 577 वैकेंसी, तो रिक्रूटमेंट है। यदि थोड़ा सा समय लग गया, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, क्यों हुई है मैं आप लोग को नहीं बता सकता अभी। क्या वैकेंसियां बढ़ाई जा रही हैं या फिर इसके अलावा कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अपडेट, न्यू रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसियों और भी ऐड करने की, सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन हो सकता है वो न्यू वैकेंसियां यहाँ पे ऐड करने की वजह से हो सकता है। जी हाँ, पुरानी भर्ती आप लोग की हुई है, जो कम स्टूडेंट्स रह गए हैं, यानी कि जो वैकेंसियां खाली रह गई हैं और नई जो वैकेंसियां, नया ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि रिक्रूटमेंट ज़्यादा आ रही हो, कुछ और बंदे लेने हो, तो आप लोग की वैकेंसियां हो सकता है कि बढ़ाई जा सकें, ये सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो सका हो, क्योंकि आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई वगैरह करवाने हैं, तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ ना कुछ रीजन होता है, और रीजन देखिए डिपार्टमेंट में क्रिएट होते ही रहते हैं, चाहे वो आप लोग को फिजिकल से रिलेटेड हो, रिटर्न से रिलेटेड हो, तो चेंजेस हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ 100% फिक्स होता है, 100% कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन मैं जो आप लोग को जानकारी देता हूँ वो आप लोग को पूरी 100% ही फिक्स जानकारी देता हूँ, और मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। इसी वजह से आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रखता कि आने वाली है, आ जाएगी, मैं इस तरीके से कुछ नहीं कहता। जानकारी मेरे पास क्लियर है तो मैं आप लोग को क्लियर करता हूं। तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का। एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल दोबारा वापस आ चुका है, आप लोगों के प्रयास से ही आया, आप लोग के साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप लोग मेरे लिए खड़े हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए खड़ा हूं। रिक्रूटमेंट रखी है, रिक्रूटमेंट आएगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्यों डिले हो रही है, कब तक, क्या प्रोसेस है, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी। लेकिन एक बार और टेंशन नहीं लेने का। मैं पूरी प्रयास में, पूरी कोशिश में हूं आप लोग के लिए कि आप लोग की रिक्रूटमेंट आए, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई। जी हाँ, इसमें ऑफलाइन अप्लाई ही होने हैं, सबसे बड़ा रीजन ये है। ये भी एक रीजन हो सकता है, क्या डिपार्टमेंट ने चेंज ऐसा तो नहीं सोचा कि ऑनलाइन अप्लाई कराया जाए। जी हाँ, एंड मौके पे ऐसा हो सकता है कि क्या पता आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई करवाए जा रहे हो, इस वजह से चेंजेस किया गया। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट निकालने से पहले एक बार उसका जो है मीन्स प्रोसेस देखा जाता है, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के लिए सर ने बोल दिया है, वैकेंसियां भर्ती आने वाली थी, आएगी, बहुत ज्यादा डिले नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगी। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, इंफॉर्मेशन आप लोग को दूंगा और रियल इंफॉर्मेशन ही आप लोग को मिलेगी।
चाहे वो CISF की रिक्रूटमेंट हो या फिर CRPF की आने वाली रिक्रूटमेंट हो या फिर और भी कोई वैकेंसी या GM, इंफॉर्मेशन वही मिलेगी जो कि पूरी तरीके से कंफर्म होगी। तो वेट कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, और भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन पे ध्यान दीजिए। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है मैं आप लोग को तुरंत इसका वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, तुरंत इसका वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले एक बार यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर सक्सेस, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिससे भी आप लोग जुड़ना चाहें आप लोग जुड़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। आप लोग के कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, इस वजह से मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर किया है। घबराइए मत, एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल आप लोग के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। ओके, बाय।